आज की वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप VPN का यूज़ करते हैं तो आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है VPN की। आपकी जो मोबाइल के सेटिंग के अंदर जो VPN होती है उसको आप कैसे जो है कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये लिखा है VPN, ये जो है सेटिंग के अंदर VPN होती है। अगर आप चाहते हैं इसको कनेक्ट करना तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से हम बैक करेंगे, हमें चाहिए एक सर्वर। ओके, तो यहाँ से हम बैक कर देंगे। बैक करने के बाद में जिस हम साइट पे जाएंगे वो साइट जो है शायद ब्लॉक होगी, तो उसके लिए आपको कोई भी एक VPN का यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास सुपर VPN है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो VPN कनेक्ट हो चुकी है। और सिंपल यहाँ से हम बैक कर देंगे। उसके बाद आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे क्रोम है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको जो है टाइप कर देना है क्रोम ब्राउज़र में vpngetnet। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे जो है साइट खुल जाएगी। अगर आप VPN नहीं कनेक्ट करेंगे तो शायद नहीं खुलेगी। ओके, तो हमने कनेक्ट कर लिया है और सिंपल देखिए यहाँ पर ये सब सर्वर शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से कोई भी एक सर्वर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जाके जो है अपने मोबाइल की उस सेटिंग के अंदर जो VPN है वहाँ पर जाके उसको हम पेस्ट करेंगे और सेट कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ से इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद में जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर है वो VPN का ऑप्शन, मोर सेटिंग, ये है VPN, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऊपर जो VPN जो हमारा कनेक्ट है इसको हम डिसकनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है ऐड VPN, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास मेरे पास ऐड लिख के आ रहा है, आपके पास ऐड न्यू लिख के आए तो जो भी आए उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर लिखा है नेम, तो नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे न्यू VPN, तो यहाँ पे हम डालेंगे बड़े अक्षर में VPN, फिर लिखा है टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है। दूसरा जो फर्स्ट में है, सबसे फर्स्ट में आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद लिखा है सर्वर एड्रेस, तो यहाँ जो हम सर्वर जो वहाँ से ले कर आए हैं तो सिंपल यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो सर्वर आ चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। फिर लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट की, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है आपको VPN, छोटे अक्षर में लिखना है, छोटे अक्षर में VPN, और फिर यहाँ पे टिक लगा देना है। और जहाँ नीचे साइड में फिर लिखा है फॉरवर्डिंग, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है 0.0.0.0/0। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम डाल देंगे छोटे अक्षर में VPN और पासवर्ड में VPN छोटे अक्षर में। और फिर यहाँ पर लिखा है सेव, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से हम जो है न्यू VPN पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कनेक्ट होगी कि नहीं होगी। कनेक्ट देखते हैं, यहाँ पर VPN का आइकन आएगा नहीं, यहाँ पर लिखा है कनेक्टिंग, चल रहा है, देख रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड, ओके, लिख लीजिए, यहाँ पर कनेक्टेड लिख के आ चुका है और ऊपर साइड में चाबी आ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपने मोबाइल के अंदर अपने सेटिंग वाली VPN को ऑन कर पाएंगे। अगर बाई चांस आप वहाँ से सर्वर ले कर आएँ और यहाँ पर आपने पेस्ट किया और नहीं काम कर, तो आपको दूसरा सर्वर जो है वहाँ से लेना है। ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा है तो मेरे साइड काम कर जाएगी, बाद में काम कर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को।